यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस। इस टाइप का एरर है दोस्तों, जब आप नेटवर्क के थ्रू जब आप किसी फाइल को शेयर करते हैं और एक्सेस करने के लिए जाते हैं तो एक्सेस नहीं होता और यहाँ पर ये एरर दिखा देता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस कंप्यूटर को आप एक्सेस कर रहे हैं उस पर चले जाइए। जैसे कि ये लैपटॉप में मेरा एरर आ रहा है, बट मैं जो एक्सेस कर रहा था वाला लैपटॉप है ये, तो मैं क्या करूँगा, अब जिस फोल्डर को मैं एक्सेस कर रहा था, जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर डी ड्राइव को एक्सेस कर रहा था और वहाँ पर वो एरर शो हुआ, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा डी ड्राइव में, प्रॉपर्टीज़ में चले जाऊँगा, उसके बाद जाना है मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी पे जाएंगे, यहाँ जैसे बहुत सारे फाइल हैं, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं एडिट पे जाऊँगा, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर सिर्फ मुझे लिखना है एवरीथिंग या एवरीवन, मैं यहाँ पर एवरीवन लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसमें यहाँ एवरीवन का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर क्या करूँगा कैंसिल कर दीजिए, एवरीवन जैसे वहाँ दिखा देगा यहाँ पर देख सकते हैं फुल कंट्रोल लिखा हुआ है। चलिए उसे क्लिक कर देते हैं दोनों बॉक्स को, ये क्लिक किया मैंने, अब अपने को क्या करना है यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर देना है, तो वेट कीजिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ एवरीथिंग एवरीवन सेलेक्ट है तो अप्लाई कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया। अब मैं देखता हूँ दूसरे वाले लैपटॉप में जो वहाँ पर एरर आ रहा था, ये हटाया मैंने, ये मेरा लैपटॉप का देख सकते हैं आप, ये एरर आ रहा था, अब यहाँ पर इसे कैंसिल करते हैं और एक बार फिर से ये देख सकते हैं मेरा फाइल जो है ओपन हो गया है। तो मैं फिर से आपको दिखा दूँ एक्सेस करके, तो ये मैं उस पीसी का नाम लिख देता हूँ, ये नाम लिखा है, एंटर किया मैंने और ये जो देख सकते हैं ये फाइल मेरा ओपन नहीं हो पा रहा था, ये ओपन हो। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी किसी भी प्रकार का हेल्प हुआ है तो लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट करके किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।